hello dear students welcome to our channel now let me discuss about class 6 science unit test solution in this video so first of all see this video very carefully now let me start question number first take a glass of waters pour the substance given below and stir them properly after that observe the glass properly and classify सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सर्विस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ सर्विस्टेंस प्रोवाइड किए गए हैं जिसे हमें बताना है कि वो सर्विस्टेंस सोल्यूबल है या फिर इन सोल्यूबल है तो आपको भी पता होगा स्टूडेंट सोल्यूबल्स मीन्स क्या जो वॉटर में जाके क्या होता है सोल्यूबल हो जाता है मतलब मिल जाता है घुल जाता है इन सोल्यूबल मीन्स होता है जो पानी में जाके वाटर में जाके घुलता नहीं है तो ऐट मीन्स देखो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट आपका शुगर हाफ टी स्पून आधी चम्मच बेटा आपको शुगर प्रोवाइड किए तो आपको पता है वो पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगी सोलबल हो जाएगी मस्टर्ड सीड्स अगर आप कोई बीज डालते हो तो बीज आपको पता है उसमें सोल्युबल होने वाला नहीं है तो इसलिए किस में आएगा वो इंसोल्युबल में आएगा टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल्स स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि वाटर में अगर हम ऑयल्स डालते हैं तो वो सोल्यूबल नहीं होता जबकि क्या होता है वो इंसोल्यूबल होता है मीन्स पानी के ऊपर सरफेस पे क्या करता है रहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन बी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट का यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ है बच्चों बीकर इन गिवन पिक्चर्स इफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्लेस इन वाटर फिल्ड बीकर देन स्टेट द कंडीशन रिमाइंड फर्स्ट ग्रेवल ऑफ सेंट स्टूडेंट्स यहां पे आपको देखिए एक बीकर दिख रहा है। उस बीकर के अंदर आपको वाटर्स दिख रहे हैं एंड कुछ सर्विस्टेंस दिख रहे हैं ओके स्टूडेंट्स सो आप लोगों को ये बताना है कि अगर इसमें मैं सैंड डालता हूँ तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा सैंड जो होगी वाटर्स के नीचे वाली सरफेस पे क्या हो जाती है कलेक्ट हो जाती है बिकॉज ये मिक्स हो जाती है तो आंसर देखिए लिखा हुआ है ग्रेवल ऑफ सैंड मिक्स विथ वाटर सिंक इन अ वाटर्स पानी के साथ ये क्या हो जा रही है अंदर जाके मिक्स हो रहा जा रही है जिससे ये पानी के अंदर ही क्या हो जा रही है सिंक हो जा रही है मिश्स डूब जा रही है स्टूडेंट सेकेंड ड्रॉप्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल्स स्टूडेंट्स जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में बात की थी कि सनफ्लावर्स uh, ऑयल्स में अगर वाटर्स में जाता है तो वो उसके क्या होती है सरफेस के ऊपर ही तैरता है बिकॉज वो उसमें फ्लॉट होता है मिक्स होता है नहीं है ड्रॉप्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल डिड नॉट मिक्स विद वाटर्स फ्लोटेड टू द सर्फेस ऑफ वॉटर्स जो आपके सनफ्लावर्स के ऑयल की जो हैं वो पानी के साथ जाकर क्या करती है मिक्स नहीं होती जिससे वो सरफेस पे ही क्या करती है फ्लॉट करती है स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू क्लासिफाई द सविस्टेंस लिविंग विंग्स एज बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर टू ए आइडेंटिफाई दिक्कस ऑफ इट्स ऑफ रिक्वाइड जो दो धागे से, से बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं ठीक है बच्चो यहाँ पे लिखा है सिंगल यानिज यूज देखिए इसका आंसर यहाँ पे यहां पर आपको देखिए आंसर मैंने दोनों लिख दिए हैं द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यान टूगेदर टू मेक ए फेबरिक इस कॉल्ड वीविंग जिससे हम पेपर मेट भी बोलते हैं जैसे पेपर मेट बनाया जाता है उस पर स्टूडेंट्स तो आप ये वाला फिगर देख रहे हो ना इसमें टू सेट्स यूज हो रहे हैं सेकेंड मेगा सिंकल यानि जी यूज टू मेक ए पीसेस ऑफ फेबरिक इस कॉल्ड नाइटिंग जिसको बोलते हैं जिससे हमें स्वेटर बनाया जाता है बच्चों तो आप इसे वन बाय वन करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपको क्या दिया गया है इसके अंदर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों आइडेंटिफाई मी मुझे पहचानी है आई एम सर्च न्यूट्रीशन इन फूड दैट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी केमिकल्स अदर देन ए पेपर टू आइडेंटिफाई सो स्टूडेंट्स फैट्स फैट्स को किसी भी चीज में मतलब चेक किया नहीं जाता सेकेंड लिखा है मा प्रजेंस कैन बी डिटेक्ट बाई यूजिंग वाटर्स कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा थ फूड द प्रेजेंस ऑफ डिटेक्ट बाई यूजिंग वाटर्स ये सबकी उपस्थिति में से चेक किया था जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों प्रोटीन कहते हैं आई एम मेड बाई टूसिंग द फाइवर्स मै फाइबर्स मैं ट्यूसिंग द फाइवर दो चीजों से बना हुआ हूं तो जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों यांस बोलेंगे क्लियर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री चलिए यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है हाउ विल यू डिटरमाइन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर ऑफटेन फर्स्ट गिंजर स्टूडेंट्स गिंजर इज ऑफटेन स्टेम पार्ट ऑफ प्लांट प्लांट के स्टेम्स में भी ये मिलता है आपको सेकेंड स्पीनस स्पिनस इज ऑफ्टेन लीव्स कहाँ से मिलता है आपको प्लांट के लीव में से एक प्लांट्स एक प्लांट इज ऑफ्टन फ्रोम फ्रूट्स प्लांट के फ्रूट में से ये मिलता है कैरेट कैरेट इज ऑफ्टन फ्रोम रूट पार्ट ऑफ प्लांट प्लांट के रूट में से मिलता है पटेटो पटेटो इज ऑपरेंट रूट पार्ट ऑफ द प्लांट सो ये भी प्लांट के रूट में से आपको मिलता है बच्चों चलिए आगे चलिए क्वेश्चन फोर नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विशाल इट्स ओनली पटेटो एंड ब्रेड इन डेली डाइट वॉट वुड यू से अबाउट ट्रवल यू वुड फेस इन द डोइंग अगर विशाल डेली पटेटो एंड ब्रेड खाएगा डेली डाइट में तो उसे क्या फेस करना पड़ेगा उसे हमें बताना है तो आंसर में देखिए लिखा हुआ वेन द डस नॉट ईट फूड्स अदर देन पोटेटोस एंड ब्रेड अगर वो पोटेटो ब्रेड के अलावा कुछ और नहीं खाएगा तो ही कांट गेट ऑल द न्यूट्रिशंस एस प्रोटीन्स विटामिन एटीसी तो उसे न्यूट्रिशंस हुए विटामिन हुए प्रोटीन ये सब चीजें नहीं मिलेंगी रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी सेल्स जो उसकी बॉडी सेल्स के लिए क्या होती है जरूरी होती है आपको भी पता होगा स्टूडेंट्स हम डेली लाइफ में अलग अलग चीजें खाते हैं क्यों खाते हैं बिकॉज अगर आप एक ही चीज खाओगे लगातार तो जैसे कि लाइक like एग्जाम्पल अगर ऐसी कोई चीज खाते हो जिसमें से सिर्फ ओनली कार्बोहाइड्रेट मिलता है अगर तो आपको लगातार कंटिन्यू कार्बोहाइड्रेट मिलता रहेगा जिसके बेस से आप क्या होते जाओगे मोटे होते जाओगे तो आपके में चर्बी बढ़ती जाएगी तो आपको क्या करना चाहिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग फूड लेना चाहिए देयर फॉर ही कांट ग्रो प्रॉपरली एंड कम इन कॉन्टेक्ट विथ डिजाइजिस जिससे उसका ग्रो नहीं होगा विकास नहीं होगा देट मीन्स उसका डेवलपमेंट नहीं होगा और वो डिजाइस के कांटेक्ट में आ जाएगा मीन्स उसको बीमारी पकड़ लेगी क्यों पकड़ लेगी बिकॉज आपको पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए हमें अपनी लिविंग लाइफ जीने के लिए हमें सारे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है बट आप अगर एक ही टाइप्स के न्यूट्रिशंस के प्रोडक्ट लेते रहोगे तो आपके बॉडी में अल जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस होते वो नहीं होंगे जिससे आप बीमार हो जाओगे क्वेश्चन नंबर टू में आप देखेंगे बच्चों लिखा हुआ है वॉट प्रिकॉशंस यू शुड टेक केयर एनश्योर द न्यूट्रेश नॉट लॉस फ्रॉम फूड्स हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिससे हमारे न्यूट्रेशन लॉस ना हो ठीक है बच्चो तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ इसमें मैंने जो मेन मेन टॉपिक्स आपको लिखवाए हैं यहाँ पे ध्यान से उसे देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट वी शुड नॉट वॉश राइस एंड पल्सेस रिपीटली हमें बार बार राइस को और पल्सेस को नहीं धोना चाहिए वी शुड नॉट पिल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें छिलके नहीं निकालने चाहिए दिस शुड नॉट यूज़ पॉलिश राइस हमें पॉलिश राइस वाले चावल यूज़ नहीं करने चाहिए इट इज़ प्रीफेबल टू कुक वेजिटेबल्स एंड राइस इन मिनिमम अमाउंट इफ वाटर इज एक्सेस वाटर ड्रेन आफ्टर बॉयलिंग राइस जितना हो सके उतना ही बॉयल मतलब राइस बनाते टाइम पानी डालिए अगर आप ज़्यादा पानी डालते हो तो जिसमें उसमें विटामिन जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं डीप फ्राइंग एंड फिटिंग फॉर लॉन्ग गायम शुड बी अवॉइडेड जितना हो सके ज़्यादा डीप फ्राइंग मतलब ज़्यादा उसको तलना नहीं चाहिए अगर कोई भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा चल आ, मतलब फ्राइंग करेंगे तो उसमें से प्रोटीन्स जो भी होंगे वो लॉस्टेड हो जाएंगे आपके क्लियर स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में आपको देखो क्या लिखा हुआ है वॉट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन योन डाइट टू अवॉइड ऑबिसिटी हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए डाइट के समय पर देखिए यहाँ पे इसके आंसर्स दिए हुए यहाँ पे वी शुड अवॉइड टू ईट रिच फैट्स कंटेनिंग गुड लाइक समोसा पूरी स्नैक्स मलाई रबड़ी एंड स्वीट ई टी सी डाइटिंग करते टाइम आपको जब आप डाइट कर रहे हो स्टूडेंट्स तो आपको खास करके याद रखना चाहिए हमें ऑयली वाले प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए जिससे आपकी चर्बी बढ़ती हुई जैसे समोसा हुआ पूरी हुई स्नैक्स हुए मलाई वगैरह वगैरह इट कैन बी वेरी हार्मुल फॉर अस टू ईट मच और फैट रिच फूड्स इस प्रकार के खाने खाने से आपका फैट यानी मोटापा हो जाता है और जे वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बच्चों चलिए स्टूडेंट्स आगे देखेंगे गिव साइंटिफिक रीजन अब हमें यहाँ पे साइंटिफिक रीजन देना है इनएडुकेट इमोपर डाइट कैन लीड टू डिसाइजेस अगर हम इनएड्युकेट और इम डाइट करते हैं तो जिसके वजह से भी हम क्या कर सकते हैं बीमार हो जाएंगे देखिए कैसे इफ द डाइट डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विक ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली अगर आप लगातार डाइट करते हो तो जिससे क्या होगा आपका ग्रोथ रुक जाएगा स्टॉप हो जाएगा सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थीन सो वीक दैट मै नॉट बी इवन टू अवेल द मूव अगर इंसान आपको पता होगा कंटिन्यू अगर डाइटिंग करता रहेगा तो वो वीक यानी कमज़ोर हो जाएगा जिसके वजह से वो चलने फिरने में उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी डिफिशेंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजाइजेज जिसके वजह से उसको मिनरल्स विटामिन नहीं मिलेंगे और वो बीमारी का शिकार हो जाएगा देयर फॉर फ्रॉम इन एडुकेट एंड इम्प्रॉपर वी कांट वी गेट ऑल द न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड फॉर बॉडी एंड एंडहैंस इट लीज टू डिसाइजेस इस प्रकार से इन एडुकेट एंड इम्प्रॉपर खाना खाने से उसे न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे और उससे बीमारी हो जाएगी चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा हुआ यंग चिल्ड्रन शुड बी गिवन एडुकेट अमाउंट ऑफ विटामिन रिच फूड तो आंसर देखिए इसका आंसर में आपको देखो दिया हुआ है बच्चों यंग चिल्ड्रन शुड बी गिवन एडुकेट अमाउंट ऑफ विटामस बिकॉज इन यंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट ऑफ बॉन्स आर ऑक्योर्स आर हेल्प्स टू ग्रो बॉन्स टीथ स्किन एंड आइज स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा जो यंग स्टूडेंट होते हैं यंग चाइल्ड होते हैं उन्हें विटामिन होने चाहिए क्योंकि उन्हें उन्हें डेवलपमेंट करना है उनकी हड्डियों में बोन्स का डेवलपमेंट करना है उनकी हाइट बढ़ानी है उनके तित करने हैं स्किन में उसके आइस मतलब सबके लिए ये चीज़ जरूरी होती है इसलिए उन्हें एडुकेट अमाउंट्स में विटामि होने चाहिए विच रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड तो ये सब चीज़ें आपको आपके बच्चों को देनी चाहिए जिसके वजह से आपका बच्चा अच्छे से डेवलपमेंट कर सके एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट फाइव एंड बी व्हाट इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्टैंडर्ड ग्रोथ ऑफ पर्सन स्वेलिंग ऑफ फेस डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जिसके वजह से आपके फेस पे सूजन आ जाती है बालों के कलर चले जाते हैं स्किन में प्रॉब्लम जाती है तो उसका आंसर है स्टूडेंट्स हमारा विटामिन सो so, इस प्रकार से ये आपकी वीडियो पूरी हो गई है तो वीडियो पसंद आई है तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा थैंक यू